अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन। आज मैं आपको तुर्किश स्टाइल का सैलेड बनाना सिखा रही हूँ। ये इनका बहुत कदीम पुराना स्टाइल है जो ये लोग नाश्ते में खाते थे। तो ये असल में जो है वो दलिये का जो है सैलेड बनता है। दलिये को जो है अरबी में भी और तुर्किश में जो है वो बुरगुल बोलते हैं। तो अच्छा, ये मैंने बुरगुल जो है ये बहुत बारीक वाला लिया, मुझे बारीक पसंद है, तो आप मोटा भी ले सकते हैं। तो ये जो है मैं दलिया जो है ये गर्म पानी में भिगोंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से भिगोकर फिर ये बनेगा सैलेड, जिसमें कि ये सैलेड में ये पुदीना इस्तेमाल होएगा, पासले इस्तेमाल होएगा। आप पासले डालें या हरा धनिया डालें, मुश्किल नहीं है, जो आप लोगों को पसंद हो और आसानी से मुहैया हो। अच्छा, फिर मैंने ये ग्रीन प्याज ले ली है घी थोड़ी सी, और यानी जितना आपका दिल चाहे, यानी अपने हिसाब से आप लोग ये डाल सकते हैं। फिर मैंने ये रेड कैप्सिकम ली है, ये असल में इसकी सॉस होती है जो बनाते हैं, मैं आपको इसकी सॉस बताऊंगी। इसमें ये एक कैप्सिकम सॉस में जो है ये रेड कैप्सिकम और एक रेड लंबी मिर्च होती है वो डलती है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो उसमें ये वाली मिर्ची भी डलती हैं, तो मैं ये वाली मिर्च डाल रही हूँ। और पेपरिका थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि पेपरिका जो है वो इन्हीं मिर्चों से बन के बनती है। और ये हरी मिर्च है जो कि मैं शायद ना डालूं, तो हरी मिर्च भी यूज़ होती है वैसे। और ये टमाटर पेस्ट है, आप घर में चाहे घर का बहुत अच्छा रहता है वो, या बाज़ार का ले लें। और ये सलाद के पत्ते हैं जो मैं नीचे डेकोरेट करने के लिए, बल्कि ये साथ में खाए भी जाएंगे सैलेड के। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऑलिव ऑयल लिया है मैंने और नमक है। आइए फिर मैं बनाना बताती हूँ आपको। ये मैं देखिए इस प्याले में डालती हूँ ये दलिया, और इसके बाद मैं गर्म पानी डाल दूँगी। ये देखिए गर्म पानी, जब तक ये जस्ट नहीं हो जाएगा, पूरा फुल जस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल जैसे चावल, पके हुए चावल अलग अलग होते वैसे ये हो जाएंगे। जब तक पानी खुश्क हो रहा है तो मैं ये पासले जो है ये काट लूँगी, और सारा जो पुदीना है और ग्रीन प्याज है ये सारा मैं काट लूँगी। ये देखें कि मैंने पानी में भिगोया था, तो आप देखिए पूरा पानी इसका जो है दलिये का खुश्क हो गया है और ये पूरी तरह से फूल गया है, इसको यानी पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये मैं इस बाउल में डाल दूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। अच्छा, ये जो मैंने कैप्सिकम और वो लाल मिर्च जो कश्मीरी थी वो मैंने ये ग्राइंड कर ली है, तो ये मैं थोड़ी सी सी डालूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं। ये देखिए, अच्छा अब मैं ये पेस्ट डालूँगी, ये टमाटर पेस्ट है, इसमें सॉल्ट है थोड़ा सा, मगर जो है वो मिर्चें नहीं है इसमें, वैसे तो खैर ज़्यादा डालते हैं मगर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं नमक डालना है मुझे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नमक डाल दिया। और अब मैं जो हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, और ये मैं लेमन बताना भूल गई थी,
ये मैं थोड़ा सा लेमन निचोड़ रही हूँ, ये मेरे पास इत्तेफाक से छोटे लेमन आ गए, यहाँ पे कमी सी मिलते हैं छोटे लेमन, तो जितना आपकी मर्जी है वो आप डाल दें। हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, ये मैं सेल्ट के पत्ते जो है वो तोड़ के इसमें बिछाऊंगी। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा, ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, इसके खाने का तरीका ये है कि ये किसी चीज़ के साथ नहीं खाया जाता, कि आप सिर्फ ये पूरा खाना ही है तो आपने ये पत्ता तोड़ा, छोटे हों पत्ते तो आप छोटे पत्ते में ले लीजिए और इसको ऐसे निवाला बनाएं। ये देखिए ये और निवाला बनाएं, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें ये जो मैंने सॉस बना के रखी हुई है ये डालें, और ये बिल्कुल रोटी की तरह करके निवाला बनाकर और आप खा लें, और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। जो लोग डाइट करते हैं वो तो बहुत उनके लिए अच्छा है। और सहोहाना मासलामे।